नमस्कार दोस्तों, बी टाउन हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले ऋतिक रोशन सर की आने वाली फिल्म वॉर 2 मूवी से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में। वैसे तो दोस्तों ऋतिक रोशन अपने फैंस के लिए एक के बाद एक कई ब्लॉकबस्टर फिल्म लेके आ रहे हैं, जिनमें से क्रिस 4, सत्ते पे सत्ता रिमिक और भी कई सारी फिल्मों की लिस्ट इसमें शामिल है। लेकिन आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वॉर 2 मूवी के बारे में। तो दोस्तों आप भी अगर ऋतिक रोशन सर के ट्रू फैन है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और शेयर करना मत भूले। तो चलिए दोस्तों बिना देर करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वॉर फिल्म 2019 में आई थी और ये फिल्म ने धमाका कर दिया और ये फिल्म ऋतिक रोशन सर के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। दोस्तों हमें वॉर फिल्म में दमदार एक्शन देखने को मिले था और उस फिल्म की स्टार कास्ट में लीड रोल में हमें ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ और वाणी कपूर देखने को मिले थे। इस फिल्म का डायरेक्शन किया था सिद्धार्थ आनंद ने और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था वायर अपने यानी कि यश राज फिल्म्स ने। वॉर 2 फिल्म ने अपने लाइफ टाइम में 320 करोड़ का जबरदस्त बिजनेस किया और बॉक्स ऑफिस को हिला के रख दिया और कई सारे रिकॉर्ड तोड़े। दोस्तों वॉर फिल्म के सक्सेस के बाद मेकर वॉर 2 फिल्म बनाने जा रहे हैं। हाल ही में इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि सिद्धार्थ आनंद ने एक इंटरव्यू में कहा कि वॉर 2 फिल्म की स्क्रिप्टिंग पर काम चालू कर दिया है लेकिन स्टार कास्ट पूरी चेंज कर दी गई है। इस फिल्म में हमें ऋतिक रोशन तो देखने को मिलेंगे पर वाणी कपूर और टाइगर श्रॉफ नहीं देखने को मिलेंगे क्योंकि वॉर फिल्म में उन दोनों की डेड हो जाती है यानी उन दोनों की जगह पर कोई और स्टार देखने को मिलेगा। रिपोर्ट के अनुसार इस फिल्म में हमें रणदीप हुड्डा देखने को मिल सकता है और उन्होंने बताया कि इस फिल्म में हमें एक्शन नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलेगा यानी इस फिल्म का बजट भी उन्होंने रिवील किया है कि 140 करोड़ से भी ऊपर के बजट में इस फिल्म को बनाया जाएगा। और क्यों ना बनाए, क्योंकि पार्ट 1 इतना ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुआ है तो पार्ट 2 उससे बेहतरीन ही होना चाहिए। वॉर 2 की एक्ट्रेस की बात करें तो हमें कृति सनोन भी देखने को मिल सकती है। दोस्तों रिपोर्ट के अनुसार इस फिल्म की स्क्रिप्टिंग कंप्लीट डन हो जाएगी, उसके बाद 2021 में इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होगी और ये फिल्म क्रिसमस के मौके पर रिलीज हो सकती है या 2022 के स्टार्टिंग में। और इस फिल्म को हाई लेवल पर रिलीज करने जा रहे हैं यानी कि हिंदी, तमिल और तेलुगु तीन लैंग्वेज में रिलीज किया जाएगा और ऐसा पहली बार होगा कि ऋतिक रोशन की कोई फिल्म तीन लैंग्वेज में रिलीज होगी। तो दोस्तों आप वॉर 2 फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड है हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।